सुन लो आवाज। सुबह के 7:30 बजे मैं सोचा सो जाऊंगा थोड़ी देर, क्योंकि 10 बजे 9:30 बजे कारपेंटर आया था। 2 घंटे की नींद लेने का सोचा था मैंने। ये सुनो, एक्चुअली ये फ्लैट ना फ्रंट का मान ही है, लेते हैं। सिर्फ सोने का। जब मैं नया नया आया था ना दिल्ली रांची से, तो मैं जैसे रहा करता था वो ऑलमोस्ट ऐसा ही था। तो मतलब पुराने दिन याद आ गए, ऐसे ही रहा करता था। ये जो कमरा है ना, इससे भी छोटा कमरा, लगभग आधा कमरा होता था, और रेंट पे मैंने लिया था, स्ट्रगल के टाइम की बात है। तो ऐसे ही मैं सोता था, आपको सच बता रहा हूँ। कई बार ना धीरे धीरे ठंड लगते लगते जमीन से, क्योंकि मार्बल का फर्श है यहाँ भी और वहां भी था, तो ठंड लगने लगती थी। फिर यार कोई ऑप्शन नहीं था, और पैसे बहुत कम थे, बहुत कम। मतलब 1500 रुपये लेके आया था तुम्हारा भाई रांची से। तो खैर वो कहानी अलग है, बहुत अलग ही कहानी। तो आनंद विहार और ये की अपने श्रवण भाई हैं जो लगे पड़े हैं, और इनकी खासियत ये है कि अकेले ही काम करते हैं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई हेल्प नहीं। सुबह आते हैं और रात तक लगे रहते हैं। बिल्कुल, अभी टाइम हो रहा है अपना 5:30 बज रहे हैं यहाँ के, और आप आए थे सुबह 9 बजे के आसपास, शायद 9:30। सो गाइस, ऐसे तो अभी फिलहाल कंडीशन ये है। ये देखो, ये घर पूरा बिखरा पड़ा है सब कुछ। और भाई लोग क्या हाल है, कुछ दिखाने वाला हूँ, आप शौक मत होना, पर देखो फिलहाल कंडीशन ये है कि मैं सो कैसे रहूँ। एक गद्दा है, गद्दा है क्या मतलब, रजाई काइंड ऑफ है, उस पर कवर लगा है, एक वो सर के नीचे, और ये कि ओढ़ने के लिए। और इस फ्लैट में कुछ भी नहीं है, ये एक शेकर और गर्म पानी का बॉटल मिक्स करके पीने के लिए, दैट्स इट। और ये पूरा फ्लैट जो है ये खाली पड़ा है। अब ये हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। आप में से कई लोग पूछ रहे थे कि सर वीडियोस चैनल पर नहीं आ रहे लाइक रेगुलर, और तो एक बहुत बड़ा रिस्क कह लो, स्टेप कह लो, या जो भी कह लो, मैंने उठाया है एक्चुअली तुम्हारे भाई का खुद का रवि फिटनेस 07 का एक प्रॉपर ऑफिस सेटअप, नीचे इसी अपार्टमेंट में, नीचे वाले फ्लैट पे जिसमें मैं रह रहा था, उसको मैं कंप्लीटली ऑफिस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि इट इज़ हाई टाइम नाउ। मतलब मुझे पता है कि मैं उतना रेगुलर नहीं हो पा रहा था, और एक एक सेटअप चाहिए था यार अपने को ना। ऐसे घर पे जाओ, कपड़े बिखरे पड़े रहते थे, मूड ही नहीं बनता था। इतने अच्छे अच्छे कंटेंट होने के बावजूद मैं वीडियो नहीं लेके आ पा रहा था आप लोगों के लिए। और ज़्यादातर रिक्वेस्ट आते हैं, देखो सबको पता है कि मेरी वीडियोज़ जो होती है ना, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास, बजट फ्रेंडली, कैसे कम बजट में कैसे अपने बॉडी बिल्डिंग गोल को अचीव करें, ये सारी चीज़ें थी। तो मैंने बोला तुम लोगों के लिए, तुम भाइयों के लिए कुछ बड़ा ही स्टेप लेते हैं। और दैट इज़ द रीज़न कि मैं ना इंस्टाग्राम पर उतना एक्टिव हो पा रहा हूँ बहुत टाइम से। यूट्यूब पर भी आपको पता है 20-20 दिन के बाद वीडियोज़ आ रही है। तो अभी फिलहाल मैं आपको ना व्लॉग में दिखाऊंगा कि क्या चल रहा है, क्या कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। उसी अपार्टमेंट में ये फ्लैट खाली पड़ा था, इत्तेफाक से मुझे मिल गया, तो 1 महीने के लिए मैंने इसको रेंट पे ले लिया। पर यहाँ मैं कुछ सामान नहीं ले गया, सिर्फ सोने का। जब मैं नया नया आया था ना दिल्ली रांची से, तो मैं जैसे रहा करता था वो ऑलमोस्ट ऐसा ही था। तो मतलब पुराने दिन याद आ गए, ऐसे ही रहा करता था। ये जो कमरा है ना, इससे भी छोटा कमरा, लगभग आधा कमरा होता था, और रेंट पे मैंने लिया था, स्ट्रगल के टाइम की बात है। तो ऐसे ही मैं सोता था, आपको सच बता रहा हूँ। कई बार ना धीरे धीरे ठंड लगते लगते जमीन से, क्योंकि मार्बल का फर्श है यहाँ भी और वहां भी था, तो ठंड लगने लगती थी। फिर यार कोई ऑप्शन नहीं था, और पैसे बहुत कम थे, बहुत कम। मतलब 1500 रुपये लेके आया था तुम्हारा भाई रांची से। तो खैर वो कहानी अलग है, बहुत अलग ही कहानी। तो आनंद विहार के नीचे 15 रुपये में वो पूरी सब्जी और रायता, खाना सरकारी खाना एंड ऑल दैट। तो मैंने जब ये बात पापा से डिस्कस करी ना, तो आपको पता है कि मिडिल क्लास फैमिली, तो उनके माइंड में सबसे पहले आया, अभी मैंने सोफा बेड वेड सेल आउट किया, वो कह रहे क्या कर रहे हो घर का, पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन दिख रहा है मुझे, इतना तो मुझे पता है भाई, मेरे पापा हैं, बचपन से देख रहा हूँ। तो ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी, बट लेट्स सी। देखो कुछ तो करना पड़ेगा भाई, है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। और आई नेवर वॉन्ट टू बी एवरेज, जिस फील्ड में भी गया हूँ ना ऊपर ही गया हूँ। तो यहाँ भी अपन फिटनेस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करेंगे। देखो मेरा थोड़ा सीन अलग चलता है, मैं कोई कॉम्पिटिशन नहीं जाता, मैं कोलेब्रेशन नहीं करता, मैं किसी स्टेज पर नहीं जाता। बेसिकली मैं फिटनेस को इजी बनाना चाहता हूँ अपने तरीके से लोगों के लिए, और फिजिक जो है यही है, और नेचुरल, जिसको सच में नेचुरल बोल के, और वो खैर नहीं, वो टॉपिक अभी नहीं छेड़ना चाहता। तो गाइस ये है फ्लैट जो मैंने ले रखा है। ये अभी क्या है कि नीचे वाले फ्लैट पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, क्या प्रोग्रेस है वो भी दिखाऊंगा तुम्हें। तो वीडियो को एंड तक देखना, अभी तुम शुरू से देखना, क्योंकि हर दिन मैं व्लॉग डाल दूंगा, हर दिन या 1-2 दिन बीच करके, जैसा भी बनेगा माहौल, ठीक है। तो आपको प्रोग्रेस शेयर करूंगा कैसे मैंने ऑफिस का सेटअप, अभी अभी तो बस प्लाई वगैरह ठुकना शुरू ही हुआ है नीचे, कुछ ऐसा काम बड़ा नहीं है। टाइम लगेगा लगभग 1 महीने का, तो बस 1 महीने का टाइम दे दो भाई को। बीच बीच में कोशिश करूंगा कि जिम से वर्कआउट वीडियोज, या अगर सेटअप मिला तो रील्स वील्स में डाल दूंगा, या कोई कॉन्टेंट अच्छा लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। बट
अभी जब तक ये चलेगा तब तक थोड़ा सा माफी चाहता हूँ आपसे, थोड़ा मैं रेगुलर नहीं हो पाऊंगा, पर जैसे आप जीरो से लेके यहाँ तक आए हो ना मुझे, तो ऐसे ही सपोर्ट करना यार। और ये ना एक बहुत बड़ा डिसीजन है मेरे लाइफ का, और आगे एक और सरप्राइज आने वाला है, जॉब से रिलेटेड है, अभी नहीं कुछ डिस्क्लोज कर सकता क्योंकि मेरे ना कलीग्स, मेरा मैनेजर और सबको ये वीडियो देखते वैसे तो। एनीवेज दैट विल बी डिफरेंट टॉपिक। सो अभी चलो नीचे चल के दिखाते हैं तुम्हें क्या कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, क्या है अपडेट, और एक एक चीज देखना तुम्हारे आंखों के सामने, तुम्हारे भाई का खुद का सेटअप, रेंट नहीं कर रहा अपना, परचेज्ड है तो ऊपर वाले की मेहर से खरीद लिया, तो कैसा सेटअप बनाऊंगा, और कुछ आइडियाज अगर आपको देने हो तो आप दे देना, उसको भी कंसिडर करूंगा। सो गाइज बने रहना वीडियो के एंड तक, मिलते हैं। क्या बोलूं, सुन लो आवाज। सुबह के 7:30 बजे मैं सोचा सो जाऊंगा थोड़ी देर, क्योंकि 10 बजे 9:30 बजे कारपेंटर आया था, 2 घंटे की नींद लेने का सोचा था मैंने। ये सुनो, एक्चुअली ये फ्लैट ना फ्रंट का है, जो मेरा फ्लैट है वो बैक का है, तो बैक में उतना शोर नहीं आता। ये तो पता नहीं क्या चल रहा है यार, मतलब बस नींद आने वाली थी, देखो इस आवाज़ में कौन सो पाएगा, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या पटक रहे उठा उठा के यार। चलो तो वीडियो जो मैंने पहले अभी मतलब शूट करी थी वो मैंने करी थी सोने से पहले, सोने जाने से पहले मैं सोचा सो के उठूंगा तो आपको दिखाऊंगा कारपेंटर आने के बाद क्या है प्रोग्रेस, पता नहीं अब शायद मैं सो तो पाऊंगा नहीं, ऐसे तो कोई नहीं सो पाएगा यार, क्या ही सो पाएंगे। ये देखो ये हर 5 सेकंड की गैप पे ऐसे धमाका करेंगे, ये देखो कम ऑन यार, अब मैं इनको कुछ बोल भी नहीं सकता, इनका काम है भाई, बैड लक। मैं पिछले 3 दिन से 2-2 घंटे सो रहा हूँ, सिर्फ 2-2 घंटे ऐसे ही, क्योंकि आदत है अपने को नाइट शिफ्ट करके सोने की, नाइट शिफ्ट करके सोता हूँ वही 6-7 बजे के आसपास, 9:30 कारपेंटर आ जाता है, आज तो ये भी नसीब नहीं होने वाली नींद। अब शायद दोपहर या शाम में थोड़ी बहुत जो नींद आएगी मे भी, पता नहीं, नॉट श्योर, ऐसा चलता रहा तो क्या ही, तो भाई बहुत बहुत भसड़ है यार कसम से भाई, यार प्लीज़ यार बंद कर दे थोड़ी देर के लिए यार, एक बार नींद आ जाए मुझे पता नहीं क्या होगा गाइस। चलो आप, मैं तो नहीं सो रहा, आप नींद आराम है, आज नहीं आने वाली नींद, पूरा सेट देख रेडी था एकदम मस्त, मैं सोचा आप सोऊंगा पर ये नहीं सोने देंगे, ओह पता नहीं। चलो मिलते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं जैसे ही कारपेंटर आएगा लेके चलूँगा नीचे अपने फ्लैट पे, और जो अब ऑफिस बनने वाला है दिखाऊंगा क्या है प्रोग्रेस, और मिलते हैं। सो गाइज एज प्रोमिस्ड मैंने बताया था आपको प्रोग्रेस दिखाने का, तो अभी करंट जो सिचुएशन है वो ये है कि ये इतना फ्रेम तैयार हुआ है, ये पूरा वार्डरोब एरिया होने वाला है अपना इस जगह पे, यहाँ से ये पूरा, और इसके वहाँ पे लगने वाला है सोफा कम बेड, ऐसा जितना मतलब स्पेस अपन प्लान कर रहे हैं, तो ये देखो ऐसे आपको पता चलेगा डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है अभी, तो मतलब बेसिक काम शुरू है बेसिकली, और मैं आपको दिखाता हूँ अभी ब्लॉग शूट कर रहा था गुरुजी मैं। अच्छा ये सारा करो कवर। हाँ नहीं ये ब्लॉग शूट हो ही रहा है अभी, ये वीडियो जाएगी यूट्यूब पे, ये कह रहा हूँ मैं, ऊपर से शूट कर रखा था मैंने मतलब सुबह कि उस फ्लैट में मैं रह रहा हूँ ऐसा ऐसा बताया था। तो गाइज ये जो है मयूर भाई है अपने, और यही हेल्प कर रहे हैं मुझे मतलब सारा डिजाइनिंग विजाइनिंग, और इनका डिजायर क्रिएटिव के नाम से क्या है इंस्टाग्राम पे अकाउंट आपका, डिवाइन इनविटेशन और डिवाइन आर्ट लैब, डिवाइन इनविटेशन और डिवाइन आर्ट लैब। तो आपको कोई सजेशन अगर चाहिए इंटीरियर डिजाइनिंग और एनीथिंग रिलेटेड, इंटीरियर का नहीं है मेरा, मेरे लिए तो इंटीरियर करवा रहे हो ना, पर मेन काम इनका डिजाइनिंग का है, हमारा काम हम इनविटेशन डिजाइन करते हैं, सोशल मीडिया हैंडल करते हैं और वेबसाइट डिजाइन करते हैं, बस मेरे लिए एक्सेप्शन लेके आप ये करवा रहे हो क्योंकि इनको आइडिया है। और ये अपने श्रवण भाई है जो लगे पड़े हैं, और इनकी खासियत ये है कि अकेले ही काम करते हैं, कोई सपोर्ट नहीं कोई हेल्प नहीं, सुबह आते हैं और रात तक लगे रहते हैं बिल्कुल। अभी टाइम हो रहा है अपना 5:30 बज रहे हैं यहाँ के, और आप आए थे सुबह 9 बजे के आसपास शायद 9:30। सो गाइस ऐसे तो अभी फिलहाल कंडीशन ये है, ये देखो ये घर पूरा बिखरा पड़ा है सब कुछ, ऊपर फ्लैट मैंने ले रखा है फिलहाल रहने के लिए, तो आपसे एक एक प्रोग्रेस मैं शेयर करूंगा, मोस्ट प्रोबेबली 1-2 डे गैप करके बताऊंगा क्या प्रोग्रेस चल रहा है। तो ये अपना ऑफिस का पूरा सेटअप होने वाला है, तो देख लो, और व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि और कुछ है नहीं मेरे पास आज, अभी जिम विम सब ऐसे गैप कर रखा है मैंने, जा नहीं पाता क्योंकि इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो रखा है, और फाइनेंशियली भी बहुत बजट जो हिल रहा है,
गुरुजी आप एस्टिमेट से ऊपर मत लेके जाना मुझे बस, क्योंकि डेली मुझे शॉक मिल रहा है कि आज इतने का खर्च है, कल इतने का खर्च है, तो लेट्स सी करते हैं, हाथ डाल ही दिया है तो करना तो पड़ेगा। सो गाइस दैट विल बी ऑल, अभी अपडेट यही है और मिलते हैं फिर नई वीडियो में, बताएंगे आपको क्या कैसे कैसे प्रोग्रेस चल रहा है, पुराने दिन याद आ गए, गद्दे बिछा के सोता था जैसे मैं। सो गाइस दैट विल बी ऑल, अगर व्लॉग पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, रेगुलर अपडेट्स के लिए जुड़े रहना। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।